वार्ड सचिवों को हाई कोर्ट से नहीं मिला न्याय तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी शुरू। कब तक मिलेगा जजमेंट कॉपी? वार्ड सचिव संघ में पक्ष और विपक्ष, ताना मारने की बीमारी पर नहीं लग रही है रोक। तो नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में लगभग 3 माह तक वार्ड सचिवों का केस चला, पर अंत में वार्ड सचिव केस को डिसमिस कर दिया गया। बिना वजह बताए केस को क्यों डिसमिस किया गया? जब तक जजमेंट कॉपी नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। 21 मार्च 2022 को केस की सुनवाई हुई थी, पर अभी तक केस का जजमेंट कॉपी नहीं आया है। वार्ड सचिव संघ के द्वारा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारियां की जा रही है। जजमेंट कॉपी मिलते ही इस पर तेजी आ सकती है। इस बीच वार्ड सचिव संघ के कुछ वार्ड सचिव जो संघ के विपक्ष में चल रहे हैं, उनके द्वारा वार्ड सचिव केस को लेकर ताना मारने का काम किया जा रहा है। वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार पर पहले भी राजनंदन कुमार के द्वारा केस के नाम पर वार्ड सचिवों से पैसे वसूल करने का आरोप लगाया जा चुका है। वहीं बात फिर से दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने को लेकर फिर से ताना मारने का काम किया गया है। जब वार्ड सचिव संघ में बिखराव हुआ उस वक्त राजनंदन कुमार के द्वारा कुछ वार्ड सचिवों के बीच बैठक करके अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन करने की बात की गई थी। किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करने की बात की गई, पर इसको सलाहकारों और निर्णयकारों के द्वारा पूरा नहीं किया गया। इस पर वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार के द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई। कुछ वार्ड सचिवों ने यह भी कहा है कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कुछ वार्ड सचिवों ने बताया है कि कुछ लोग वार्ड सचिव के संगठन को भंग करने में लगे हैं, जिनका वार्ड सचिवों ने साथ छोड़ दिया है, और जो संगठन को संगठित रखकर वार्ड सचिवों को न्याय दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार हैं। तो वार्ड सचिव संघ के द्वारा बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिवों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल प्रक्रिया जजमेंट कॉपी मिलने के बाद शुरू हो सकती है, जिसका सभी वार्ड सचिवों को इंतजार है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, वार्ड सचिव अगर मधुमक्खी के छत्ते के समान संगठित रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, और सरकार चाहे जिसकी भी हो, काम किए हैं तो आपको छोड़ नहीं सकती। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।